सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल मस्त हूं। और थंबनेल और टाइटल देखकर तो आपको पता ही लग गया होना कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्या होने वाली है। तो भाई, जो जो मेरे भाई मेरे चैनल पर नए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और भाई, आज धूप भी काफ़ी अच्छी खिली हुई है और ठंड वगैरह का नामो निशान नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बट ठंड वगैरह होती है, पर सुबह शाम होती है। आप देख सकते हैं मैंने भी अभी एक सिंगल टी शर्ट ही पहनी है, और थोड़ी सी भी ठंड नहीं लग रही है भाई अभी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है दिन के टाइम में कि ठंड वगैरह होती ही नहीं है। तो अब ठंड का सीज़न चला ही गया। खैर, ये बातें बाद में भी होती रहेंगी, बस अब जल्दी से चलते हैं अपनी बाइक के पास और अपनी बाइक वॉश करेंगे हम। मैं बाइक की कंडीशन दिखाता हूँ आपको कि क्या हो रखी है। बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है बाइक। इस साइड से धूप पड़ रही है भाई, तो आपको अच्छे तरीके से नहीं दिख रही होगी बाइक की कंडीशन कि कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है हमारी बाइक। बाइक वॉश करने की बात थी, तो भाई मैं तो ऐसे वॉशिंग स्टेशन में जाकर भी अपनी बाइक वॉश करवा सकता था, पर मैंने सोचा ऐसे ही क्यों फालतू में पैसे खर्च करने। हम बहुत ही सस्ती कीमत पर आज अपनी बाइक वॉश करेंगे, और सिर्फ 2 रुपए का शैम्पू खरीदेंगे हम, और थोड़ी मेहनत अपनी तरफ से करेंगे, तब जाकर बाइक अच्छे तरीके से चमकाएंगे हम आज। तो अब आइए चलते हैं जल्दी से। हमारे एक भाई, जिनके बारे में बताता हूँ मैं आपको, HP86 राइडर, जिनका अपना यूट्यूब चैनल है, वो भी अपनी बाइक वॉश करने के लिए आएंगे। हम यहाँ पर अपनी बाइक वॉश नहीं करेंगे, हमारे घर से यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाकर एक बॉडी है, हम वहाँ पर जाकर बाइक वॉश करेंगे अपनी। ऐसे तो पानी के सोर्सेज को ख़राब नहीं करना चाहिए, पर वहाँ का जो पानी है वो पीने के लायक नहीं है, वहाँ का पानी लोग पीते नहीं है। तो हम वहाँ पर जाएंगे और अपनी बाइक वॉश करेंगे, वहाँ पर भी सफाई का ध्यान रखेंगे, इसलिए हम अपने घर से एक बाल्टी लेकर जाएंगे और एक जग लेकर जाएंगे। तो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद सीधा जहाँ पर हम बाइक वॉश करेंगे। A few moments later. तो फाइनली भाई, अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी बाइक वॉश करने वाली लोकेशन पर, और जो हमारे भाई हैं वो भी आ चुके हैं। इन्होंने मेरा काफ़ी पोपट बना दिया, इनका वेट मेरे को कम से कम 10 से 15 मिनट करना पड़ा। ये बोल रहे थे कि मैं बस आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, और भाई कम से कम 15 मिनट मेरे को इनका वेट करना पड़ा। और जो मेरे भाई हैं वो वहाँ पर खड़े हैं पीछे, अपनी वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं, और हमारी बाइक्स भी वहाँ पीछे खड़ी हुई हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं इनको वॉश करना। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। A few moments later. तो फाइनली गाइज, अभी हम बाइक वगैरह वॉश कर चुके हैं अपनी, और मैंने सोचा था कुछ थोड़ी मेहनत लगेगी, बट कुछ ज़्यादा ही मेहनत लग गई है। और अभी हम ब्लॉग को एंड करेंगे। अब
ज़्यादा ही टाइम लग गया है हमारे को यहाँ पर, तो अब चलते हैं जल्दी से घर को और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।